हेलो डियर, इस टॉपिक में आज हम बात करेंगे कि जो फिस्कल पॉलिसी है उसके शॉर्टकमिंग्स क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, ड्रॉबैक क्या है। तो सबसे पहले है इन्फ्लेशन, यानी कि जो आपके प्राइस है वो इंक्रीज हो जाते हैं। अगर डेफिसिट फाइनेंसिंग की बात करें तो उसमें अगर आरबीआई ने नोट छापती है तो वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज हो जाती है, प्राइस आपका इंक्रीज हो जाएगा। डिफेक्टिव टैक्स का स्ट्रक्चर है, क्योंकि देखा जाए तो डायरेक्ट टैक्स जो है वो बहुत कम रसीव हो पाता है गवर्नमेंट को, इनडायरेक्ट टैक्स का जो पोर्शन है वो ज़्यादा रसीव होता है। तो पुअर के ऊपर, गरीब लोगों के ऊपर ज़्यादा इसका टैक्स का जो है वो भार रहता है, इसलिए हमारे जो टैक्स सिस्टम है वो उसमें प्रॉपर वे में सिस्टमेटिकल नहीं है, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम है। अगर हम डायरेक्ट टैक्स की बात करें, चाहे वो आपकी गिफ्ट ड्यूटी है वो, तो इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो रिच लोग बहुत कम है हमारी कंट्री में, उनके प्रोग्रेसिव टैक्स तो लगाया जाता है लेकिन इतनी इनकम रिसीव नहीं हो पाती है गवर्नमेंट को। पब्लिक सेक्टर जो है वो काफ़ी फेल हुआ है, पब्लिक सेक्टर जो है वो काफ़ी लॉस में जा रहा है। तो हम इन्वेस्टमेंट तो करते हैं पब्लिक सेक्टर में, लेकिन वहाँ से इतना रिसीव नहीं हो पाता है, उसकी वजह से भी जो है वो शॉर्टकमिंग देखने को मिलती है। नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बहुत है, डिफेंस में एक्सपेंडिचर करना, इलेक्शन में, या फिर जो आपके इंटरेस्ट पेमेंट, ग्रांट्स ऑफ डिफरेंट स्टेट, तो वहाँ पे जो सेक्टर नॉन डेवलपमेंट वाले हैं वहाँ पे बहुत पैसा खर्च करती है गवर्नमेंट, एंड फेल टू चेक रीजनल डिस्पैरिटी। अब जो भी रीजनल डिस्पैरिटी की बात है तो अनइक्वल जो है वो स्टेट का कंट्रीब्यूशन रहता है, बैकवर्ड और रूरल एरियाज में काफ़ी डिफरेंसेस बने हुए हैं, अर्बन एरिया के बीच काफ़ी डिफरेंसेस हैं, जो इक्वल कंट्रीब्यूशन नहीं हो पाता इन सेक्टर में। दूसरा है इंटरेस्ट का बर्डन बहुत है, पब्लिक डेट में आप इंटरनल और एक्सटर्नल डेट लेते हैं, उनके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो गवर्नमेंट को उससे भी जो है वो डील करना पड़ता है। नेक्स्ट वन है पॉवर्टी बहुत है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, तो बहुत से प्लानिंग कमीशन आए ताकि पॉवर्टी रिड्यूस हो सके, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो सके, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं बनी अभी तक, तो सारा अनइक्वल सिस्टम ही चला हुआ है। नेक्स्ट है आपका सुजेशंस, अगर सुजेशंस की बात आती है तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो जो नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स हैं उनको कम करें गवर्नमेंट, अगर उनको कम करेगी तो जो खर्चा है उसका वो आप डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स में कर सकते हैं, जो डेवलपमेंट एरिया है वहाँ पे उस पैसे का यूज करें। दूसरा है पब्लिक डेट को कम करें, गवर्नमेंट को पब्लिक के डेट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, गवर्नमेंट को जो है वो टैक्सेशन पॉलिसी में इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स नहीं लगता है तो एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स लगाना चाहिए, अगर एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स लगेगा तो मे बी गवर्नमेंट को और ज़्यादा टैक्स या इनकम हो जाएगी। इंक्रीज इन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर काफ़ी टाइम से लॉस में चले हुए हैं, तो उसमें प्रॉफिटेबिलिटी का सोर्स जनरेट करना बहुत एक नया सोर्स माना जाता है इनकम का। अगर पब्लिक सेक्टर प्रॉफिट गेन करेंगे तो गवर्नमेंट को उसका फायदा होगा, टैक्स की पॉलिसी में इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, डायरेक्ट टैक्स को बढ़ाना चाहिए, और जो लोग टैक्स से बचते हैं उनके ऊपर स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करने चाहिए, ठीक है। टैक्स इवेशन, जो बचने की कोशिश करते हैं, और मिनिमम टैक्स से सेटअप होना चाहिए ताकि लोग पे करें टैक्स को। नेक्स्ट वन है जो आपका प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर है, उसमें भी किसी तरह का कोई रिलैक्सेशंस ना दें, जो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें कि लोग अपने टैक्स से जो डिडक्शन किसी तरह का बचाव करते हैं, और सिंपल टैक्स सिस्टम होना चाहिए। अगर सिंपल टैक्स सिस्टम होगा तो लोग पे करने में भी हेजिटेट नहीं करेंगे, कॉम्प्लिकेटेड टैक्स सिस्टम होगा तो लोग उसको पे करने में भी हेजिटेट करेंगे। और जो पब्लिक सेक्टर यूनिट पूरी तरह से लॉस में जा रही है वो प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट कर देनी चाहिए, डिस इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। और गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट हैं उसमें ओवर स्टाफिंग है, उनको कम करें, उस स्टाफ को कहीं और पे डिप्यूट कर दें, सब्सिडीज को कम करना चाहिए। गवर्नमेंट बहुत सेक्टर में, बहुत एरिया में सब्सिडीज देती है, आपने देखा सिलेंडर की सब्सिडीज भी बंद कर दी है, तो वो रीज़न यही है कि सब्सिडीज जितना गवर्नमेंट बंद करेगी उस पैसे का यूज वो कहीं और कर सकती है। गवर्नमेंट बहुत से प्रोजेक्ट चलाती है, उन प्रोजेक्ट को अच्छे से इंप्लीमेंट करने के लिए जो रूल और कंट्रोल गवर्नमेंट का होना बहुत ज़रूरी है, तभी प्रोजेक्ट सक्सेसफुली इंप्लीमेंट होते हैं।
तो ये है आपके सुझाव जो फिजिकल पॉलिसी को अच्छा बनाने के लिए हैं, और जो पीछे हमने डिस्कस किया वो था इसके डिसएडवांटेजेस एंड ड्रॉबैक ऑफ द फिजिकल पॉलिसी। तो ये आपने यहाँ से रीड करना है, आपने यहाँ से स्टडी करना है।